हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू उन्नति कंपटीशन क्लासेस। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम बात कर रहे हैं लूसेंट बुक के बारे में। मैं लगातार इस बुक को अच्छे से, पूरी ईमानदारी से आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। बुक के एंड तक मेरा पूरा प्रयास ये जारी रहेगा। रोज एक वीडियो अपलोड होता है, चाहे वो लूसेंट बुक का हो या फिर घटना चक्र बुक का या फिर इंग्लिश वोकैब के बुक का। मेरा पूरा प्रयास होता है कि आपको मैक्सिमम जितना हो सकता है उतने वीडियो में आपको दूं विद क्वालिटी के साथ में। तो देखिए, आज हम बात जो कर रहे हैं वो हम बात कर रहे हैं जीव विज्ञान के बारे में। हम इसमें क्या क्या कवर करेंगे? हम इसमें कवर करेंगे पादप आकारिका, फल का निर्माण कैसे होता है, पादप रोग कौन से होते हैं, पारिस्थितिकी क्या होती है और पौधों में प्रकाश संश्लेषण क्यों आवश्यक होता है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। और वीडियो शुरू करने से पहले, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, जो ये पादप आकारिका होती है या आकारिकी होती है, क्या होती है? ये एक्चुअली होता है कि विभिन्न पादप भागों में जैसे जड़, तना, पत्ती, पुष्प, फल आदि के रूप तथा गुणों के अध्ययन को हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं मॉर्फोलॉजी। ठीक है, तो देखिए एग्जाम में आपसे क्वेश्चंस यहाँ पर कुछ ये बनता है कि मॉर्फोलॉजी में किसका अध्ययन होता है। तो मॉर्फोलॉजी में अध्ययन किस किस का होता है? कंप्लीट आप मान लीजिए एक पौधे का होता है। पौधे में जड़ भी होती है, तना भी होता है, पत्ते भी होती है, फल भी होते हैं और फूल भी होते हैं। तो इन सब में जिसका अध्ययन होता है कि इसका क्या गुण है, इस फल में या इस फूल में क्या क्या चीजें हैं, तो टोटली जो अध्ययन होता है वो किसमें होता है? वो होता है मॉर्फोलॉजी के अंतर्गत। आगे हम बात करते हैं जड़ क्या होती है। हमको पता होनी चाहिए जड़ पौधों का अवरोही भाग है, मतलब एक बढ़ता हुआ भाग होता है और जो मूलांकुर से विकसित होता है। किससे विकसित होता है? ये होता है आपका मूलांकुर से। तो बस जड़ के बारे में पढ़ लीजिए, जड़ के बारे में इतना नहीं पूछेगा। लेकिन हाँ, जड़ कितने प्रकार की होती है आपसे ये जरूर पूछ सकता है। तो जड़ होती है दो प्रकार की, क्या? एक होती है टैप, एक होती है एडवेंशियस, मतलब कि मुसला जड़, और एक होती है अपस्थानिक जड़। फिर हम बात करते हैं तने के बारे में कि यह पौधे का वह भाग होता है जो प्रकाश की ओर वृद्धि करता है। जहाँ से प्रकाश आएगा उसकी तरफ क्या होगा? ये बढ़ेगा। जड़ तो जबकि जमीन की ओर बढ़ती हैं, ठीक है, नीचे की तरफ चलती जाती हैं, और जबकि आपका तना होता है, तने की जो डायरेक्शन होती है वो ऊपर आसमान की तरफ होती है। हम कहते हैं कि पेड़ बढ़ रहा है, एक्चुअली उसका तना इसलिए बढ़ता है क्योंकि प्रकाश उस पर पड़ता है। आप ये मान लीजिए कि तना का जो अट्रैक्शन होता है वो होता है लाइट, और लाइट कहाँ से मिलती है? सूरज से। सूरज कहाँ पे होता है? आसमान में। तो ऊपर की ओर तना हमेशा क्या होता है? बढ़ता है, याद रहेगा। उसके बाद हम बात करते हैं पत्ती के बारे में कि लीफ क्या होती है। यह हमेशा हरे रंग की होती है। इसका मुख्य कार्य क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण क्रिया के द्वारा भोजन बनाना होता है। तो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा भोजन कौन बनाता है? पौधे का कौन सा भाग है जो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपना फूड जनरेट करता है? तो वो है आपका लीफ। फूल क्या होते हैं, फ्लावर क्या होते हैं? यह पौधे का एक जनन अंग होता है। ठीक है, तो बस इसमें फिलहाल इस पेज पे केवल इतने ही पॉइंटों को आपने हाईलाइट करना है। दो प्रकार की जड़ें, क्या नाम है वो याद रखिएगा। तना हमेशा क्या करता है? सूरज की ओर क्या करता है? अपना आपको मूव करता है, मतलब उसकी डायरेक्शन क्या होती है? अपवर्ड डायरेक्शंस होती है उसकी। पत्ती क्या करती है? पत्ती प्रकाश संश्लेषण के द्वारा भोजन बनाती है। उसके बाद हम बात करते हैं फल का निर्माण। फल का निर्माण कहाँ पर होता है? तो फल का निर्माण होता है अंडाशय से होता है। और संपूर्ण फलों को कितनी कैटेगरी में, कितने भागों में डिवाइड करा गया है? तो ये करा गया है तीन भागों में, अमरूद और केला आदि। तो ठीक है, ये जो है तीन भाग कौन कौन से होते हैं? तो नॉर्मल आपसे एग्जाम में अमरूद और केले के बारे में पूछ सके, अमरूद और केला जो है किस टाइप का फल है? ठीक है, तो ये है आपका सरल फल। एक होता है सरल, एक होता है पुंज, एक होता है आपका संग्रथित फल। तो ये आपका कटहल, सहतूत बहुत कम पूछता है, मैक्सिमम पूछता है आप सबके एग्जाम में अमरूद और केला। अमरूद और केला किस फलों का भाग है, किस टाइप के, किस प्रकार के फलों का भाग है? तो ये है आपका सरल फल। उसके बाद हम बात करते हैं कुछ फल तथा उसके खाने योग्य भाग। हम जो पपीता खाते हैं, पपीते का हम कौन सा भाग खाते हैं? पपीते का हम छिलका तो नहीं खाते ना, हम पपीते का जो मध्य भाग होता है उसको छिल के खाते हैं। तो पपीता का जो खाने योग्य भाग होता है कौन सा होता है? वो होता है मध्य फल भित्ति, क्वेश्चंस कई बार पूछा गया है। उसके बाद में नारियल, नारियल का हम कौन सा भाग खाते हैं जो हम लोग उसका
यूज करते हैं, तो इसका जो हम भाग खाते हैं उसको बोलते हैं भ्रूण पोष। टमाटर का कौन सा भाग खाते हैं? टमाटर हम एक्चुअली पूरा ही खा लेते हैं, ठीक है, लेकिन वास्तव में फल भित्ति एवं साथ में हम बीज भी खाते हैं उसके, ठीक है ना। तो ये क्या है? बीजांड लहसुन, ठीक है। तो ऐसा तो है नहीं कि आप टमाटर खाते हो, टमाटर में से बीज निकाल के तब उसको सब्जी में छोकते होंगे, ऐसा तो नहीं ना। फल के मतलब फल है जैसे टमाटर, आपका फल भित्ति और बीज दोनों ही आप लोग खा जाते हैं, आप क्या हम भी खाते हैं। फिर हम बात करते हैं फल के बारे में। फल क्या है? मूंगफली। और मूंगफली क्या है? ये आपका मूंगफली का कौन सा भाग खाने योग्य भाग होता है? तो ये है आपका बीज पत्र एवं भ्रूण। अनानास। अनानास का जो खाने योग्य जो भाग होता है उसको हम बोलते हैं परिदल पुंज। क्या बोलते हैं? परिदल पुंज। बहुत अच्छा है ये क्वेश्चन, आप ये ध्यान रखिएगा कि कौन सा भाग हम कौन सा खाते हैं, तो याद रखिएगा। तो इसके साथ में फिलहाल एक और ऐड करना चाहूंगा, क्योंकि एग्जाम में रिस्क नहीं ले सकते आप लोग कि इतना पढ़ रहे हैं, थोड़ा और पढ़ लेते हैं। देखिए सेब, सेब का जो खाने वाला जो भाग होता है वो होता है आपका पुष्पासन। क्या होता है? पुष्पासन। देखिए पादप उत्तक क्या होते हैं, थोड़ा पढ़ लेते हैं। टिश्यू क्या होते हैं? समान उत्पत्ति संरचना एवं कार्य वाली कोशिकाओं के समूह को हम क्या कहते हैं? उत्तक कहते हैं। और उसके बाद हम बात करते हैं कि सरल उत्तक क्या होते हैं, सिंपल टिश्यू एंड कॉम्प्लेक्स टिश्यू। सिंपल का मतलब सिंपल होगा, कॉम्प्लेक्स का मतलब जटिल होगा। थोड़ी बात करते हैं, देखिए हम पढ़ते हैं सिंपल टिश्यू के बारे में। यदि स्थायी उत्तक एक ही प्रकार की कोशिकाओं के बने होते हैं, मतलब सेम कोशिका के बने होंगे, तो वो होंगे सिंपल, और एक से अधिक बने होंगे तो वो कहलाएंगे आपका जटिल उत्तक। सिंपल आप सोचिए ना कि एक आदमी अपने डिसीजन अच्छे से ले लेता है, और अगर उसके बिजनेस में, उसके काम में 3-4 लोगों का दिमाग एक साथ इकट्ठा हो जाएगा, या तो बिजनेस अच्छा चलेगा या फिर बिजनेस क्या हो जाएगा, काफी जटिल हो जाएगा, ठीक है। तो एज एग्जाम्पल के तौर पे मैंने एक बिजनेस का एग्जाम्पल आपको दिया, तो ऐसी एग्जाम्पल आप खुद भी सेट कर सकते हैं कि एक अकेला इंसान कुछ अच्छे काम कर लेता है, लेकिन जब दिमाग 10-12-50-60 मिल जाते हैं तो लोगों के विचार नहीं मिलते हैं, झगड़े उत्पन्न होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो इतना बताने की आपको आवश्यकता नहीं है, सिंपल आप पढ़ेंगे तो भी आपको याद हो जाएगा। वैसे बात करते हैं जैलम के बारे में। इसे प्राय क्या कहते हैं? कास्ट भी कह सकते हैं। और यह क्या होता है? यह संवहनी उत्तक होता है। तो इसके दो मुख्य कार्य हैं। पहला है आपका, फर्स्ट कार्य हम पढ़ते हैं देखिए, जल। दूसरा है आपका यांत्रिक दृढ़ता प्रदान करना। तो पौधे की आयु की गणना जाइलम उत्तक के वार्षिक वलय को गिनकर ही की जाती है, और पौधे की आयु का निर्धारण जो होता है वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है आपका डेंड्रोक्रोनोलॉजी। याद रहेगा डेंड्रोक्रोनोलॉजी इसको कहते हैं। और फ्लोएम क्या होता है? जो ये जो आपका फ्लोएम होता है, यह भी एक संवहन उत्तक होता है, मतलब ये भी क्रिया करता है, यहाँ से वहाँ ट्रांसफॉर्मेशन करता है, लेकिन इसका मुख्य कार्य होता है पत्तियों द्वारा बनाए गए भोजन को पौधे के अन्य भागों में पहुंचाना। तो यहाँ से एक क्वेश्चन आपका ये बनता है कि भोजन को पौधे के अन्य भागों में कौन पहुंचाता है? तो ये है आपका फ्लोएम, और जाइलम मतलब जल पहुंचाता है, ठीक है। जल का जो प्रवाह होता है पूरे पौधे में, जैसे कि आप पेड़ पौधे में पानी डालते हैं, तो पानी तो आपने डाला जमीन पे ना, तो वो पानी ऊपर जो टॉप में कोई पत्ती लगी हुई है पौधे में पेड़ पे, वहां तक पानी कैसे पहुंचेगा? तो ये क्रिया करता है आपका जाइलम, और फ्लोएम क्या करता है? भोजन ट्रांसफर करता है पूरे पौधों में, ठीक है। मतलब जल से मानिए जाइलम, जा से जल, जा से जाइलम, ठीक है। तो ये जल वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और फ्लोएम भी आपको पढ़ना पड़ेगा। अब हम बात करते हैं प्रकाश संश्लेषण। पौधे में जल, प्रकाश, पर्णहरित तथा कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में कार्बोहाइड्रेट के निर्माण को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं, ठीक है। और प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक क्या क्या चाहिए आपको? आपको चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड होना चाहिए, पानी, क्लोरोफिल और सूर्य का प्रकाश, ये सब चीजें होनी चाहिए। कभी कभी वो पूछ लेता है आपके रीजनिंग के क्वेश्चंस में कि भिन्न छाटिए, तो वहां पे आपको दे देगा कार्बन डाइऑक्साइड, पानी, सूर्य का प्रकाश और आपको बोल देगा पेट्रोल। अब इसमें से भिन्न क्या है? ये सभी जो पार्ट है ये तो प्रकाश संश्लेषण के भाग है, लेकिन पेट्रोल तो इसका भाग नहीं है ना, तो वहां पे भिन्न क्या होगा आपका? पेट्रोल। तो वो कहीं ना कहीं रीजनिंग में भी आपका आज के टाइम पे जो सीजल का एग्जाम है या फिर प्रीलिम्स का, स्टेट पीसीएस का एग्जाम है, तो वहां पे कुछ क्वेश्चन इस तरह से वो पूछ लेता है, तो आपको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। आगे बात करते हैं, देखिए पत्ती की कोशिकाओं में जल शिरा से प्रसारण क्या होता है? ऑस्मोसिस द्वारा होता है, और CO2 वायुमंडल से क्या होती है? डिफ्यूजन द्वारा जाता है। तो इसके बाद हम बात करते हैं क्लोरोफिल। पत्तियों में हरे रंग का वर्णक होता है, इसके चार घटक होते हैं, कौन कौन से? क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, कैरोटीन और जेंथोफिल, चार टाइप होते हैं। किसके? क्लोरोफिल जो होता है
वो हरा रंग होता है। उसके वर्णक, वर्णक को चार भागों में डिवाइड करा गया है, कौन कौन से? क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, कैरोटीन और जैंथोफिल। उसके बाद हम बात करते हैं कि क्लोरोफिल के केंद्र में क्या होता है। मैग्नीशियम का एक परमाणु होता है, तो परमाणु नहीं बोलेगा, कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है कि क्लोरोफिल के केंद्र में क्या पाया जाता है, मैग्नीशियम पाया जाता है। और क्लोरोफिल का प्रकाश में बैंगनी, नीला और लाल रंग को ग्रहण करता है। क्लोरोफिल जो होता है प्रकाश में, हमको क्या क्या तीन कलर कौन कौन से हैं? एक है आपका बैंगनी, नीला और लाल। उसके बाद हम बात करते हैं आपसे कि प्रकाश रासायनिक क्रिया क्या होती है। देखिए, प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है वो दो अवस्थाओं में होती है, एक होता है फोटोकेमिकल, एक होता है डार्क केमिकल रिएक्शन। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं पहले प्रकाश रासायनिक क्रिया। केवल इतना ही पॉइंट आपने हाईलाइट करना है कि यह क्रिया क्या होती है, क्लोरोफिल के ग्रेना भाग में संपन्न होती है। प्रकाश रासायनिक क्रिया कहाँ पर संपन्न होती है? ये होती है क्लोरोफिल के ग्रेना भाग में। सेकेंड जो पॉइंट हाईलाइट कर रखा है, यह क्रिया क्या होती है, क्लोरोफिल के स्ट्रोमा में होती है। तो क्लोरोफिल के स्ट्रोमा में क्या संपन्न होता है? तो वह है आपका रासायनिक प्रकाशहीन प्रतिक्रिया, ऑक्सीजन्स। ठीक है, ऑक्सीजन्स। तो यह है, इसकी खोज किसने करी थी? 1880 में करी थी। किसने करी थी? डार्विन ने करी थी। याद रखिएगा, किसने करी थी? डार्विन ने। उसके बाद हम बात करते हैं आपसे कि जिबरेलिन्स, इसकी खोज जापानी वैज्ञानिक कुरो सावा ने 1926 में की थी। और एथिलीन, एथिलीन का जो है हार्मोन के रूप में इसे बर्ग, बर्ग ने करा था इसका आविष्कार। कब करा था? 1962 में। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग कि जीवाणु जनित रोग क्या होते हैं। तो आलू का जो सैथिल रोग होता है, आलू में कौन सा रोग पाया जाता है, उसको बोलते हैं सैथिल रोग। इसको रिंग रोग के नाम से भी जानते हैं। तो रिंग रोग जो होता है वो किस में होता है? आपको चार ऑप्शन देगा, गेहूं, धान, ब्लैक आर्म या फिर आलू। ठीक है, तो इस तरह से नाम आपको देगा, लेकिन आपको याद रखना है कि रिंग रोग किस में होता है, ये होता है आलूओं में, क्योंकि जाइलम का भूरा रिंग बन जाता है। और इस रोग का कारक क्या होता है? सीडोमोनास सोलेनेसियरम नामक जीवाणु होता है। जीवाणु का नाम क्या है? ये जीवाणु का नाम है। तो बस आप याद रखिएगा, रिंग रोग किस में होता है? आलू में होता है, और यही आपसे पूछेगा। और उसके बाद हम बात करते हैं कि ब्लैक आर्म ऑफ कॉटन, इस रोग का कारक क्या होता है? इस रोग का जो कारक होता है वो होता है आपका जैंथोमोनास नामक एक जीवाणु होता है, जिसके द्वारा ये रोग होता है। तो इस रोग में होता क्या है? इस रोग में पत्ती पर छोटी छोटी सी जलाद संरचना, मतलब भूरा रंग क्रिएट हो जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं गेहूं का टुंडू रोग, कहते हैं ना गेहूं में टुंडू बढ़ गया। कभी आप खेती बाड़ी अगर आपने करी होगी, या कभी आप खेतों में जाते होंगे तो आप देखते होंगे, उसमें बोलते हैं कि टुंडू रोग हो गया खेतों में, तो पूरे गेहूं खराब हो गया। तो इस रोग का जो कारक होता है वो क्या होता है? एक जीवाणु है, जीवाणु का नाम क्या है? कैरिनो बैक्टीरियम। तो वो एक्चुअली कैरिनो बैक्टीरियम नहीं बोलते हैं गांव के लोग जो होते हैं किसान वगैरह, तो ये वर्ड काफ़ी साइंटिफिक वर्ड है, काफ़ी इंग्लिश का इसमें टोन बहुत ज़्यादा है, तो वो ये नहीं बोलते, सिंपल बोलते हैं गेहूं को क्या बढ़ गया? टुंडू बढ़ गया। क्या हो गया भी गेहूं में? टुंडू बढ़ गया, खेतों में टुंडू बढ़ गया। तो ऐसे ही बोलते हैं वहाँ पे लोग। ठीक है, तो गेहूं का टुंडू रोग क्या होता है? वास्तव में आपसे एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछेगा, आपको वहाँ पे आपको ये टुंडू नहीं देगा। आप कोई किसान वगैरह, आप लोग पढ़े लिखे के बच्चे हैं आप सब, तो आपको ये वर्ड याद करना है एग्जाम में। उसके बाद हम बात करते हैं कि तत्वों की कमी से उत्पन्न होने वाले रोग कौन से होते हैं। तो फूल गोभी में जो ब्राउनिंग जो रोग होता है वो किस तत्व की कमी से होता है? वो होता है बोरान की कमी से, बोरोन की कमी से। और धान में खैरा रोग, धान में खैरा पड़ गया, खेत में, कहते हैं खेत में खैरा पड़ गया, खेत मतलब कि उसके बाद जो खेती थी वो धान की खेती थी। और कौन सा रोग पड़ा उसके धान की खेती में? जस्ता की कमी होने से क्या हो गया? खैरा रोग पड़ गया। फिर हम बात करते हैं मक्का में माइट वाइट बर्ड जो होता है वो होता है जस्ते की कमी से। किसकी कमी से? जस्ते की कमी से। फिर हम बात करें संसार का सबसे लंबा वृक्ष कौन सा है, आप थोड़ा हम बात करते हैं वनस्पति शास्त्र से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य है। तो सबसे जो लंबा वृक्ष है वो है आपका सिकोवा। ठीक है, सिकोवा, इसकी हाइट कितनी होती है? 120 मीटर होती है। इसे कोस्ट रेड वुड ऑफ कैलिफोर्निया भी कहते हैं। ठीक है, कौन से पेड़ को कोस्ट रेड वुड ऑफ कैलिफोर्निया कहते हैं? तो ये है आपका सबसे लंबा वृक्ष, क्या है ये? ये वृक्ष का नाम है आपका सिकोया। सबसे छोटा बीज है आपका आर्किड।
ठीक है, इसको आर्किड या ऑर्किड भी बोलते हैं, तो ध्यान रखिएगा। उसके बाद में कॉफ़ी देने वाला पौधा क्या होता है, ये आपका कॉफ़ी या अरेबिका, इसमें कैफीन होता है। कॉफ़ी में क्या होता है, कैफीन होता है, ठीक है। और ये अरेबिका किस किस्म का ये पौधा है, तो ये है आपका कॉफ़ी का पौधा। क्वेश्चंस यहाँ से ये एक बन जाता है आपके सामने। उसके बाद बात करते हैं कि कोको देने वाला पौधा कौन सा होता है, तो ये है आपका केक ओ, कोको केक ओ, ये वाला, ठीक है, ध्यान रखना। अफीम देने वाला जो पौधा होता है वो होता है पोपी, इसमें क्या होता है, मोपिन होती है, ठीक है, मोपिन मतलब अफीम। चाय में क्या होता है, निकोटीन। सिगरेट में क्या होता है, निकोटीन। कॉफी में कैफीन, और अफीम में होता है मोपिन, ठीक है। अफीम में क्या पाया जाता है जिससे नशा होता है, तो वह है आपका मोपिन। कॉफी में कैफीन होता है, तो इस तरह से आप प्लीज इसको याद रखिएगा। इसमें हीरोइन अफीम पोस्ता से प्राप्त होती है, ठीक है। तो हीरोइन क्या क्या होती है, हीरोइन जो प्राप्त होती है वो अफीम के पोस्ता से प्राप्त होती है। और पारिस्थितिकी के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं कि जीव विज्ञान की उस शाखा को जिसके अंतर्गत जीवधारियों और उनके वातावरण के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन करते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, पारिस्थितिकी कहते हैं। और एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र या वास स्थान में निवास करने वाली विभिन्न समष्टियां या समष्टियों को क्या कहते हैं, जैविक समुदाय कहते हैं, उसको बोलते हैं बायोटिक कम्युनिटी। अब हम बात करते हैं फिलहाल केंद्र के बारे में, किसका केंद्र कहाँ पर है, पर्यावरण शिक्षा केंद्र कहाँ पर स्थित है, तो ये है आपका अहमदाबाद में। क्वेश्चंस यहाँ से आपसे डायरेक्ट यही पूछता है, यहाँ पे क्वेश्चंस को वो टिपिकल नहीं बनाएगा एग्जामिनर आपके सामने, डिट्टो क्वेश्चंस ये पूछेगा कि पर्यावरण शिक्षा केंद्र का प्रशिक्षण केंद्र कहाँ पर है, इसका अनुसंधान कहाँ पे स्थित है, तो ये है आपका अहमदाबाद में। बात करते हैं हम लोग CPR, पर्यावरण शिक्षा केंद्र जो है चेन्नई में है, और पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र बेंगलुरु में है। खनन पर्यावरण क्षेत्र आपका कहाँ पर है, ये है आपका धनबाद में। सलीम अली पक्षी विज्ञान एवं सांस्कृतिक विज्ञान केंद्र ये कहाँ पर है, ये आपका कोयम्बटूर में। अब हम बात करते हैं बायोटिक कंपोनेंट्स के बारे में, जैविक घटक के बारे में। तीन भागों में इसको डिवाइड करा गया, जैविक घटक को कितने भागों में डिवाइड करा गया, यहीं से डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है कितने भागों में डिवाइड करा गया, तो आप याद रखिए कितने भागों में, तीन भागों में इसको डिवाइड करा गया है। पहला भाग क्या, उत्पादक, सेकंड उपभोक्ता, थर्ड है आपका अपघटक। अब हम बात करते हैं फिलहाल उत्पादक क्या होते हैं, वे घटक जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, जैसे हरे पौधे। हरे पौधे क्या करते हैं, अपना भोजन स्वयं बनाते हैं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा, ठीक है ना। अभी हमने देखा था फ्लोएम, फ्लोएम क्या करता है, जाइलम क्या करता है, तो ये सब जो क्रिया के द्वारा क्या क्या होता है, भोजन बनता है उनका, पौधों का, तो ये सभी क्या है, ये है उत्पादक। अब हम बात करते हैं उपभोक्ता, वे घटक जो उत्पादक द्वारा बनाए गए भोज्य पदार्थों का उपयोग करते हैं, मतलब दूसरे पे डिपेंड होते हैं, वो खाना बनाएंगे तब हम खाना खाएंगे, ठीक है। उपभोक्ता को भी तीन कैटेगरी में डिवाइड करा गया, प्राथमिक उपभोक्ता मतलब गाय गाय भैंस बकरी, ये सब क्या होते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता के अंतर्गत आते हैं। द्वितीय में क्या होते हैं, लोमड़ी, भेड़िया, मोर, मतलब कि ये इस पे डिपेंड है, ये इस पे डिपेंड है, और ये सब किस पे डिपेंड है, ये सब इस पे डिपेंड है, तो आपस में कहीं ना कहीं एक दूसरे पर डिपेंडेंसी बहुत ज्यादा होती है इनकी। तो इसके अंतर्गत वे जीव जो द्वितीय उपभोक्ता को खाते हैं, ठीक है, गाय भैंस बकरी, लोमड़ी, भेड़िया, मोर, ये सब एक दूसरे पर डिपेंड है कहीं ना कहीं। तो आपसे ये नहीं पूछेगा, बस ये पूछेगा कि कितने भागों में डिवाइड करा गया, लेकिन बेसिक चीज आपको पता होनी चाहिए। अब हम बात करते हैं अपघटक के बारे में, इस वर्ग में मुख्यतः कवक एवं जीवाणु आते हैं, ये मृत उत्पादक एवं उपभोक्ताओं का अपघटन कर उन्हें भौतिक तत्वों में परिवर्तित कर देते हैं। तो बच्चों देखिए आज के इस वीडियो में केवल इतना ही, अब तक केवल मैंने हाईलाइट वही पॉइंट कराए जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट थे, ठीक है, और बस केवल इतना ही आपको पढ़ना है, और इसमें अपना अपनी श्योरिटी रखिए कि हाँ मैंने इतना ही पढ़ना है, लेकिन बहुत ईमानदारी से पढ़ना है, कभी भी कोई भी कहीं से भी कुछ भी क्वेश्चन पूछ ले, चाहे मॉक टेस्ट में पूछे या फिर आपके रियल एग्जाम में, तो आपको एग्जाम में सही अपना आंसर लगा के आना है, और अपना कॉन्फिडेंस को मेंटेन करके चलना है, कॉन्फिडेंस लूज नहीं करना है आपने पहली बात तो। और अगर कुछ को ये लग रहा है कि मैंने बहुत कम पॉइंट हाईलाइट करा है, तो मैं उनसे कहना चाहूंगा कि एक समझ गए मेरी बातों को, मेरे कहने का मतलब क्या है कि डिस्टेंपर का डब्बा ले लीजिए, उसमें ये ब्रश भी गई और पूरे पेजों पर लगा दीजिए, भर दीजिए पूरे पेज को, आपके लिए हर चीज़ इंपॉर्टेंट है, बट पढ़ना क्या है, कितना पढ़ना है, वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो या तो नैरोलैक का डब्बा आता है, आधा लीटर का, 1 लीटर का, जो भी आता हो मार्केट से आप देख लीजिएगा,
तो इसमें आपकी तसल्ली हो जाएगी। तो आप अपने अकॉर्डिंग पढ़ना चाहते हैं अपने अकॉर्डिंग पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है, बट टारगेट ये है कि आप प्लीज़ 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 पढ़िए, जो पढ़िए उस पर कॉन्फिडेंस बनाते चलिए। तो बच्चों अब मैं आपसे कहना चाहूँगा कि अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ इसको लाइक करिएगा, और आपके जो भी फ्रेंड कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उन तक शेयर करिएगा। डू सब्सक्राइब, अगर सब्सक्राइब नहीं करा है तो सबसे पहले आप प्ले लिस्ट को चेक करिए, उसके बाद में डिसाइड करिए कि आपको क्या करना है। सब्सक्राइब करने के बाद में आपको सब्सक्राइब पर क्लिक करके छोड़ना नहीं है, उसके बाद में आपको बेल आइकन को भी ढंग से दबाना है, ठीक है। और उसके बाद आपको कैंसिल ओके का ऑप्शन दिखाई देगा, तो ओके पे क्लिक कर देना, तो आपको जितने भी नोटिफिकेशन होंगे आपको इस चैनल के फटाफट मिलते रहेंगे। और अगर आप इस चैनल पे कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो आप पेटीएम के माध्यम से कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, अगर आप एक अर्नर हैं। अगर आप स्टूडेंट हैं हाथ बहुत टाइट हो तो पेटीएम मत करिएगा, लेकिन अगर आप अर्नर हैं तो आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं इस चैनल पे। तो पेटीएम नंबर मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ पर क्लिक करके आपका जो श्रद्धा हो वो आप डोनेट कर सकते हैं इस चैनल को। तो इसी के साथ लेता हूँ आपसे अलविदा, मिलता हूँ जल्द एक नए वीडियो के साथ में। बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।